नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। देखिए, ग्रामीण दौड़े एकजुट होकर बुझाई आग। मौके पर पहुंची डायल 100। किसान कुमेर कुशवाहा 5 बीघा, निर्भय कुशवाहा 3 बीघा, बंडोई कुशवाहा 4 बीघा गेहूं की नरवाई जलकर हुई राख। अगर इन वक्त पर ग्रामीण नहीं आते तो पास में रह रहे लामरखन कुशवाहा के लगे भूसे के कूप में आग लग सकती थी, लेकिन मौके पर पटवारी कुशवाहा पानी का टैंक लेकर पहुंचे। ट्रैक्टर से आसपास के खेत जोतकर लोगों ने अपने तरीके से आग बुझा पाई। तेज आंधी चल रही थी, नहीं तो अनहोनी हो सकती थी। चिनोर से संवाददाता ज्ञान सिंह मौर्य की रिपोर्ट। दोपहर टाइम फॉल्ट होने से आग लगी चराव की 45 गुड़िया हो गई। यहाँ पे बगैर पूरा बने हुए नरवाई में 10-15 बीघा की आग लग गई है। आग कैसे बुझी? आग ग्रामीण आ गए थे, दौड़ पड़े थे, अपने घरों से निकल के टैंकर लेके आए, बाल्टी लेके आए, टैंकर में मल्टीमीटर लगा के उसको जोता खेतों को। बड़ी मुश्किल से औरतों ने भी सहयोग किया, उसमें बड़ी मुश्किल से काबू पाया। इसके अलावा नरवाई के अलावा चालिया नहीं, नरवा के अलावा भूसे भी खूब भी लगे थे पास में, जैसा भी बनी थी घर भी बने हुए थे पास में, कुछ डेरे भी थे यहाँ पे। रविवार को मध्य प्रदेश शासन के गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सुबह 10 बजे अपने दतिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बरगाय और महेवा पहुंचे, जहां पर उपस्थित ग्राम के निवासियों से चर्चा की और उनका हालचाल भी जाना। इसके पश्चात गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ग्राम के जरूरतमंद परिवारों में पहुंचकर राहत सामग्री वितरण की। उन्होंने कहा, आप चिंता नहीं करना, आपका विधायक आपके साथ है, लॉकडाउन का पालन करें, अपने घर पर रहें। इसके पश्चात स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया नगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सेवड़ा चुंगी के पास बस्तियों पहुंचकर जरूरतमंद नागरिकों को राहत सामग्री वितरण की और उनकी समस्याओं का निराकरण किया। इसके पश्चात गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दोपहर 3 बजे भांडेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पेपरराउआ पहुंचे। ग्वालियर चंबल संभाग संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी जी से मुलाकात की और दतिया निवास के लिए रवाना हुए। इसमें पश्चात गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम उदगुवा खमेरा डेरा और गरेरा पहुंचे। यहां पर उपस्थित आम नागरिकों को राशन सामग्री वितरण की। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि शिवपुरी के तहसील पिछोर से मिल रही है, जहां सोशल डिस्टेंस के धच्चे उड़ाते हुए तस्वीरें निकालकर सामने आ रही है। हिंदुस्तान टुडे पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, पिछोर के अस्पताल की हैं। पुलिस प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार, शहद स्वास्थ्य कर्मी और स्वास्थ्य विभाग का अमला भी मौजूद रहा। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुँचा रहे हैं, ये बड़ी खबर का रुख शिवपुरी की तहसील पिछोर से मिल रही है। खबर डबरा से है, जहां डबरा की उप तहसील पिछोर में तेज आंधी के साथ बारिश और ओले गिरे हैं। अंचल का मौसम ठंडा हो चुका है, लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। आपको बता दें, बेमौसम बारिश और ओलों से अंचल के किसानों को नहीं कोई खतरा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये खबर डबरा से है, डबरा की उप तहसील पिछोर में तेज आंधी के साथ बारिश के साथ ओले गिरे हैं और किसानों को इससे कोई खतरा नहीं है। पिछोर से हेमंत पंडा, डबरा से सुनील रजावत की रिपोर्ट। पत्नी अनीता जाटव नरवर की निवासी है। उनके द्वारा बताया गया है कि मेरी माताजी को पूर्व में कैंसर हो गया था, उनके इलाज के लिए मैंने अपना मकान बेच दिया था, कुछ उनका कर्जा भी हो गया था, उसी के चलते अपने बीवी बच्चों के साथ ग्वालियर रह रहे थे।
लॉकडाउन से पहले गड़बड़ में अपना राशन कार्ड पर राशन लेके कंट्रोल पर आया और कंट्रोल वाले ने राशन देने से मना कर दिया, बोला कि आप राशन कार्ड निरस्त कर दिया गया है, उसी के चलते पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन हो गया है। बल्लू जाटव और उसकी पत्नी अनीता जाटव, उनका छोटा बच्चा सुमित लॉकडाउन के चलते नरवर में ही फंस गए और उनके द्वारा बताया जा रहा है कि नगर पंचायत में हमने मदद की, गुहार लगाई। नगर रविवार को भितरवार ब्लॉक के ब्राह्मण समाज अध्यक्ष वासुदेव उपाध्याय की अध्यक्षता में तहसील कॉलोनी स्थित ब्राह्मण समाज पूर्व अध्यक्ष राम सेवक शर्मा के निवास पर भगवान परशुराम के जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर पूरे देश में लगे लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग के दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए उपस्थित समाज बंधुओं ने भगवान परशुराम की जयंती पूरे श्रद्धाभाव से हवन पूजन के साथ मनाई। तत्पश्चात सामूहिक रूप से प्रसादी का वितरण कराया गया। इस दौरान वार्ड क्रमांक 5 शासन तराहे पर स्थित भगवान परशुराम जी के मंदिर पर भी जयंती हवन पूजन और श्रद्धा भाव से मनाई गई। वहीं इस घरों में लोगों ने घरों के अंदर ही भगवान परशुराम के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर और तिलक चंदन कर जयंती का आगाज किया। भितरवा से संवाददाता कमल साहू की रिपोर्ट। बालाघाट जिले सहित पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। पुलिस बल का ज्यादा ध्यान लॉकडाउन पालन कराने में लगा हुआ है, जिसका फायदा उठाते हुए चोरों ने वारासिवनी के एक सरकारी स्कूल के कंप्यूटरों पर हाथ साफ कर दिया। वारासिवनी स्थित कमला नेहरू गर्ल्स स्कूल के शिक्षक ने बताया कि उन्हें चौकीदार द्वारा सूचना दी गई कि स्कूल के गेट और कंप्यूटर रूम का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने वहां रखे कंप्यूटर चुरा लिए हैं, जिनकी जानकारी पुलिस को भी दी गई। एएसपी प्रतिपाल सिंह ने इस संबंध में बताया कि स्कूल प्रबंधन की सूचना पर मौका स्थल देखा गया। अज्ञात चोरों ने 10 नग मॉनिटर और 6 नग सीपीयू चोरी कर लिए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि ये किसी आदतन चोर का काम न होकर ऐसे व्यक्ति की करतूत है जिसे उक्त कमरे में कंप्यूटर सटे रखने की होने की जानकारी थी, जिसका खुलासा जल्द ही किया जाएगा। खबर डबरा से है। प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचकर भगवान श्री परशुराम जी की जयंती के शुभ अवसर पर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। शिवराज कैबिनेट में गृह और स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद पहली बार गृह नगर डबरा पहुंचे हैं। नगर का सुप्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंच तत्पश्चात भगवान श्री परशुराम की पूजा अर्चना कर देश में फैली महामारी नोवल कोरोना से देश और प्रदेशवासियों की सुरक्षा के लिए कामना की है। पूजन के दौरान विशेष रूप से भार्गव समाज के अध्यक्ष अशोक कुमार गौतम उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। खबर डबरा से है, जहां गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने गृह नगर डबरा कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। वहीं कार्यकर्ताओं से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर की मुलाकात। परिजनों ने तिलक और श्रीफल भेंट कर किया स्वागत। शिवराज सरकार में मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहुंचे अपने गृह नगर डबरा। इस मौके पर परिवार के सभी लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। मैं तो पांच फुट दूर हूँ। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।